अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हैंग आउट विद काशिफ। तो भाई सीन ये है कि आज है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, तो आपकी भाभी को देना था गिफ्ट और वो देना था सरप्राइज। ठीक है, अब देना क्या है गिफ्ट, मसला ये है कि यार लड़कियों को क्या देना होता है, मतलब हमें समझ में नहीं आता। मतलब हमारी चॉइसेस जो है ना वो लड़कियों की चीज़ों में है नहीं। मतलब क्या कपड़े कौन से दें, कौन से शूज़, कौन सी चप्पल, अबे भाई क्या दें समझ में नहीं आता। और आपको पता है लड़कों की अगर कोई बर्थडे होती है तो हम तो फटाफट, हमें पता होता है ये टी शर्ट शर्ट कोई भी चीज़ लेके दे दे बंदा। लेकिन लड़कियों में जो है ना बड़ा मसला होता है, फिर वाइफ को देने के लिए ना और ज़्यादा मसला होता है। बंदा सोचता है, दिमाग लगाता है, भाई इतना दिमाग अगर हम लगाते पढ़ाई में तो आज हम कोई डबल मास्टर होते हैं। लेकिन क्या करें, लेकिन बहरहाल अब लेना तो है ना भाई हम लोगों ने। तो अब इसके लिए हमारे एक दोस्त हैं, बहुत अच्छे हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, नवीद साहब। तो अभी नवीद साहब के पास चलते हैं, वो बाहर हमारा वेट कर रहे हैं, तो वहाँ चलते हैं और उनसे भी मशवरा करते हैं कि यार कौन सा गिफ्ट लिया जाए, ताकि अगर उनका मशवरा थोड़ा बहुत हमें सही लगेगा तो हम वही कंसिडर कर लेंगे। क्योंकि आपके भाई का तो दिमाग चल रहा है, तीन चार चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं, फिर साहब से भी पूछते हैं, क्या पता उनका मशवरा ज़्यादा बेहतर लगे। तो चलते हैं भाई, नवीद साहब वेट कर रहे हैं, वरना आपको पता है नवीद साहब की बुरी तरीके से हट जाए। ये खड़े हुए भाई, नवीद साहब आ गए, यहाँ पर बुलाया इन्होंने मुझे, पता नहीं क्यों। नवीद साहब यहाँ क्यों बुलाया है? यार यहाँ पे मैं दोस्त के पास आया था। अच्छा, तो इसलिए मैंने तुम्हारे बोला यहाँ पर आके यहाँ से साथ चलते हैं। मैं समझा तुम डेट वेट मारने के लिए आए हो। हम डेट की काम मार जाएंगे। तुम क्या बोल रहे हो, डेट ही होगी, डेट नहीं मारेंगे। यार नवीद साहब, असल में सीन ये है कि आपकी भाभी को देना है गिफ्ट, तो अब मसला ये है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपको पता है लड़कियों की चीज़ें समझ में नहीं आती कि क्या ले बंदा। तो अब मैंने सोचा नवीद साहब से भी थोड़ा सा मशवरा लेंगे, मशवरा लेके ही काम करना चाहिए। तो आप मुझे बताओ कि क्या लूँ मैं यार, क्योंकि मुझे ना समझ में नहीं आ रहा, तीन चार दिन से सोच रहा हूँ क्या लूँ। पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो शादी पहले साल की। बहुत शुक्रिया। और क्या कहते हैं आपका बजट कितना, पहले ये तो बताओ। यार बजट जो है ना, ये आपने बिल्कुल सही बोला, मैं कोई मास सफदर या डक्की भाई तो हूँ नहीं जो आपके भाई का बजट ही ना हो। तो बजट है मेरा तकरीबन 30-35 हज़ार का बजट होगा, 30-35 में कोई अच्छी चीज़ दिला दो। चलो खैर, 30-35 भी बहुत बड़ी बात है, मास सफदर डक्की भाई नहीं है तो इंशाल्लाह वैसे बन जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और क्या कहते हैं 30-35 में, क्या कहते हैं तुम मेरे ख्याल से गोल्ड की चीज़ बोल रहे थे, वो तो ना सही, इतनी मज़ा नहीं आएगा। अगर मोबाइल लोगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। मोबाइल 30 हज़ार में मोबाइल आ जाएगा, मतलब 30-35 हज़ार में मोबाइल कहाँ आता है भाई। नहीं नहीं भाई, आजकल ना डबल पैक काफ़ी मार्केट गिर गई है, और 30-35 में बहुत अच्छा मोबाइल आ जाएगा आपको, रेडमी का रियलमी का आराम से आसानी से आ जाएगा। तो ये है कि फिर मोबाइल ले सकते हैं, तो 30-35 हज़ार में जो है नवीद साहब बोल रहे हैं मोबाइल, मशवरा तो सही है। अब सदर चलते हैं, सदर जाके देखते हैं कि 30-35 हज़ार तक का मोबाइल मिलेगा या नहीं मिलेगा, और देखते हैं कि कोई डब्बा पैक मिले यूज़ में तो नहीं, क्योंकि आपको पता न्यू चीज़ न्यू होती है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम न्यू लें। तो चलते हैं फिर सदर और वहाँ जाके चेक करते हैं भाई, कोई अच्छा मोबाइल हो तो फिर इंशाल्लाह वो परचेज़ करते हैं, और फिर उसको गिफ्ट पेपर में ही पैक करवाना पड़ेगा सही तरीके से, तो क्योंकि वो सरप्राइज़ होगा, तो फिर वहाँ जाके वो भी करवाएंगे, तो आप साथ रहिएगा हमारे। फाइनली मोबाइल मार्केट आ चुके हैं हम लोग, और मोबाइल मार्केट में यहाँ पर हमारे एक जानने वाले की शॉप है, तो हम वहाँ जाके ना उनसे मोबाइल लेंगे, क्योंकि भाई मोबाइल वोबाइल जो है ना उन्हीं से लेना चाहिए जिनसे जो है ना आपकी जान पहचान हो, ऐसे किसी से भी नहीं उठाओ, फिर ख़राब निकलता तो ये लोग चेंज भी नहीं करते। तो वहीं चलते हैं हम उनकी शॉप पर। वैसे तो भाई यहाँ पर बहुत सारे मोबाइल हैं, लेकिन हमने साबिर भाई को बोला कोई अच्छा मोबाइल देखने का, तो साबिर भाई ने जो है वो हमारे दोस्त हैं साबिर, तो उन्होंने हमें बताया 13C, और ये अभी 13C के लिए कॉल कर रहे हैं। लेकिन 13C के लिए कॉल इन्होंने की थी, तो उन्होंने मुझे एक और मशवरा दिया कि एक मोबाइल और है रेडमी 12, लेकिन रेडमी 12 के लिए ना हमें थोड़ी सी रेंज बनानी पड़ेगी, यानी कि वो 42 हज़ार रुपये का था, तो वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे साबिर भाई, तो हमने बोला चलो भाई मंगवा लो। तो फिर रेडमी हमारा फाइनल हुआ, तो साबिर भाई ने कॉल की, और रेडमी जो है वहाँ से जो इनकी शॉप होती है, जो इनके गोदाम है, वहाँ से इन्होंने बोला कि रेडमी मंगवा लो, क्योंकि इनके पास अभी पड़ा हुआ नहीं था इसी वक्त। तो हमसे उन्होंने कहा कि यार रेडमी मैंने मंगवा लिया, क्योंकि हमने सोचा, क्योंकि ये तारीफ बहुत ज़्यादा कर रहे थे, 13C से ज़्यादा उसकी तारीफ़ कर रहे थे, हमने बोला चलो यार मंगवा लो। तो ये हमारा रेडमी आ चुका है, रेडमी 12, और इसकी हो रही है अनबॉक्सिंग। और अनबॉक्सिंग आपको पता है कि यार अनबॉक्सिंग जो है ना, मतलब जब अनबॉक्सिंग के बाद जब मोबाइल निकलता है तो अलग ही कंचा होता है, मतलब उसकी जो क्वालिटी होती है ना वो अलग ही होती है। मतलब आप चेक करें, ये देखें यार, मतलब कलर भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, और ये बिल्कुल जो है ना, मतलब देखने में जो लुक था ना इसका, बिल्कुल उस तरीके का था जैसे आईफोन आई थिंक 13 है या 13 प्रो है, कुछ इस तरीके का जो है ना इसका लुक था, और बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो हमने सोचा कि चलो यार फिर थोड़ी सी रेंज बढ़ा ही लेते हैं, और जो 35 का मिल रहा है वो 42 का मिल रहा है, 42 वाला जो है वो 8128 है, और वो वाला जो था वो मेरे ख्याल में 4128 था, तो ये वाला मुझे ज़्यादा बेहतर लगा। तो हमने अभी इसको ओपन कर लिया, आप चेक करें ज़रा ये मोबाइल, और देखने में ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, पीछे से भी और आगे से भी, और कलर भी इसका बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तुम्हारी वैसे ले लिया बस तुम्हारे कहने पे, तुमने बोला अच्छा है, मेरे कहने पे कल भी तुम्हारे को गैलेक्सी दिए मैंने,
ये बताओ ये वैसे मुझे ये वाला मोबाइल तुमने गलत दिया। मोबाइल तो भाई ओके लग रहा है, बिल्कुल साफ सुथरा जो है वो पीस अच्छा है, मतलब कलर वाइज भी अच्छा है, तो मोबाइल तो सही है। और हमने सोचा कि चलो यार इतना खर्चा हो गया तो अब 6-7 हज़ार रुपये हो क्या देखना, हमने सोचा चलो यार मंगवा ही लेते हैं अब यही। अभी साहब ये आपके कहने पे ले लिया बस मैंने, अब ये चलाओ मजा ना है, पैसे वापस। हाँ पैसे वापस इंशाल्लाह कटने के बाद। साबिर भाई कितने का मिला ये 42 का मिला ये 42 वरना हम 13 सी ले रहे थे, वही बात है ना, हमने अपने बजट चेंज कर लिया साबिर की वजह से। एक बार बजट आपको चेंज करना पड़ता है ना भाई, तो मैंने बोला चलो यार गिफ्ट दे रहे हैं किसी को तो गिफ्ट अच्छा होना चाहिए, तो हमने 35-30 से 35 किया, 35 से 42 कर दिया। तो भाई मोबाइल हमारा दोबारा से पैक हो रहा है क्योंकि हमने इसको करवाना है गिफ्ट पेपर में पैक, क्योंकि अगर मोबाइल के डब्बे के अंदर ही हम इसको देंगे ना तो समझ आ जाएगा मतलब कि ये मोबाइल ही है, तो हमने इसको करवाना है बॉक्स के अंदर पैक, उसके बाद इस पर चढ़वाना है गिफ्ट पेपर, तो ये इसको प्रॉपर तरीके से जो है ना एक सरप्राइज़ के तौर पे देना है। तो भाई फाइनली हम जो आ चुके हैं पेपर मार्केट में, और यहाँ पर ये है बॉक्स की दुकान, यहाँ पर बहुत सारे बॉक्स हमें नज़र आ रहे हैं लेकिन ये छोटे छोटे हैं, मतलब इसमें तो नहीं आएगा मोबाइल और इसमें भी नहीं आएगा, और यहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेस पड़े हैं। ये जो डब्बा है ना मतलब हमारा वाला ये बड़ा है बाकी बॉक्सेस से, तो यहाँ पर अब ये वाला निकाल के दिखा रहे हैं, ये देखते हैं भाई, ये वाइट कलर का है, मतलब मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा जो ना मतलब बॉक्स भी खूबसूरत हो यार, मतलब इतनी महंगी चीज़ दे रहे हैं तो थोड़ा बॉक्स भी अच्छा होना चाहिए ना। अब ये जो अब मसला पता क्या है, ये इसके अंदर आ तो जाएगा लेकिन ये मोबाइल वाला ही साइज़ है, मतलब इसको अगर हम पैक करवाएंगे तो ये ऐसा लगेगा कि मोबाइल ही है, तो हम चाह रहे हैं कि इसका जो बॉक्स हो ना वो थोड़ा सा बड़ा हो ताकि पता ना चले कि मोबाइल है। अब देखो ये वाला मुझे सही लग रहा है क्योंकि ये बॉक्स बड़ा है, इतना बड़ा मोबाइल का बॉक्स आता नहीं है अमूमन, तो ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन इसकी जो मतलब फ्रेशनेस है ना वो अच्छी नहीं है, मतलब फ्रेश नहीं लग रहा मुझे, यूज़ में लग रहा है, तो हमने जो है फिर दूसरा वाला बॉक्स हम उठाते हैं। तो ये वाला जो बॉक्स है जो अभी अभी ये निकाला है भाई ने, ये वाला चेक करते हैं। मैं चाह रहा हूँ बॉक्स के अंदर जो है ना वो कपड़ा भी हो, जो कपड़ा लगा हुआ था ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे अभी जो ग्रीन वाला बॉक्स था ना उसके अंदर था, तो अभी ये कोई एक डब्बा हम खुलवाते हैं क्योंकि हमें वो कपड़े वाला चाहिए, और उसके अंदर जो वाइट वाला इन्होंने अभी उठाया था उसके अंदर कपड़ा लगा हुआ नहीं था, तो अब ये ग्रीन वाला जो है ना इसमें आई थिंक कपड़ा लगा हुआ है, तो ये ग्रीन वाला हम निकलवाते हैं, और ग्रीन वाला निकलवा के चेक करते हैं, ये ग्रीन वाला ब्राउन वाला ये वाला जो है ना, अब ये वाला इन्होंने दिखाया था, अब ये वाला जो है इसके अंदर मेरे ख्याल में कपड़ा लगा ही नहीं लगा, ये चेक करना पड़ेगा, और इसके अंदर भी कपड़ा नहीं लगा हुआ, मतलब ये खाली बॉक्स ना यार अच्छा नहीं लग रहा, मैं चाह रहा हूँ कि अंदर थोड़ा सा कपड़ा लगा हुआ हो ताकि जो है खूबसूरत लगे, मतलब जब बॉक्स खुले तो वो थोड़ा खूबसूरत लगे ना यार, मोबाइल रखा हुआ है जब इतना महंगा लिया है तो थोड़ा सा अच्छा भी होना चाहिए, अच्छा लगना भी चाहिए देखने में। तो ये है कि हम चेक करते हैं कोई और बॉक्स ना जिसके अंदर कपड़ा लगा हुआ हो, तो अभी यहाँ पर तो है, यहाँ पर वैसे तो बॉक्स की शॉप है, बहुत सारे बॉक्स हैं, जब हमें कोई नहीं मिल रहा था हमने सोचा ये ले लेते हैं, लेकिन फिर हमने ये ग्रीन वाला भाई ने निकाला और ग्रीन वाला चेक करें इसमें लगा हुआ है प्रॉपर तरीके से और ये खूबसूरत लग रहा है। भाई फाइनली यहाँ से बॉक्स भी ले चुके हैं, अब जाके इसको पैक वैक करवाते हैं जरा गिफ्ट पेपर में ताकि पता ना चले कि ये मोबाइल है। अब आ गए हम लोग गिफ्ट पेपर की शॉप पे, यहाँ पर हम लोग पैकिंग वैकिंग करवा रहे हैं, ये हमारे फरीद भाई हैं और यहीं से हम पैकिंग करवाते हैं हमेशा से, तो यहाँ पर आगे अब आपकी भाभी का जो गिफ्ट है वो पैक हो रहा है, तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर हमारा काम फाइनली ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। तो भाई फरीद भाई की शॉप है ये जामा क्लॉथ पे, और हम शुरू से जब भी किसी को गिफ्ट हमने देना होता है तो यहीं से आके पैकिंग करवाते हैं, और इनकी जो पैकिंग होती है ये सबसे बड़ी बात ये है कि हमने कभी भी यहाँ पर आके इनको ये कहा ही नहीं कि इस तरीके का पैक कर दो, हमारी इनसे अच्छी दुआ सलाम है तो हम आके बस इनको कहते हैं कि भाई आप इसको पैक कर दो, तो वो अपनी मर्ज़ी से ही इसका जो गिफ्ट पैक है वो निकालते हैं और अपनी मर्ज़ी से ही इसके अंदर जो है वो फूल लगाते हैं, इस पे जो है वो कार्ड लगाते हैं, तमाम चीज़ें जो है अपनी मर्ज़ी से करते हैं, तो हम इनको नहीं करते। तो अभी भी ये वाला जो गिफ्ट है ये हमने इनसे कहा कि भाई आप अपनी मर्ज़ी से लगाएं, तो ये अपनी मर्ज़ी से लगा रहे हैं। दुकान थी बाहर आ गई है जी, मेरी दुकान पहले सामने भी थी वो टूट गई, तो फिर मैं अंदर शिफ्ट हुआ। मैं आपके पास कोई 3-4 साल से तो आ रहा हूँ तकरीबन, अंदर के बाद ही बाहर आ गया। आप लोगों की दुआ ही है। सही सही सही, आपका काम भी अच्छा है ना यार माशाल्लाह, जब भी आपके पास आते भी हैं आप जैसे भाई हैं, और आपको पता है आपके भाई ने कभी भी आपको गिफ्ट पैक करवाया तो ये नहीं बोला कि यार कौन सा लगाना है, आपकी मर्जी से ही लगाते हैं आप हमेशा, और अच्छा ही लगाते हैं, वो पसंद भी आता है, और अभी भी ऐसा ही है, और अभी अपनी पसंद का ही लगा रहे हैं आप।
तो भाई इनकी जो गिफ्ट पैकिंग है आपके भाई को बड़ी पसंद आती है, तो इसीलिए हमें, और आपको पता है यार ये लड़कियों का काम होता है गिफ्ट पैक करना और बैठना और ये वो, ये आपके भाई से होता नहीं है भाई। हम तो चाहते हैं कि भाई हमें जो है ना बना बनाया काम मिल जाए, हम जाएँ किसी को दें और वो पैक करके दे दें हमें। तो हम जो है ना मतलब घर पर बैठ के आराम से पेपर निकालो फिर उसको थूक लगा के चिपकाओ, ये आपके भाई से होता नहीं है भाई ये सारा काम। तो ये 50 या 100 रुपये खर्च करो और इनको ला के दो। और हमने कौन सा कोई रोज़ाना किसी को गिफ्ट देना होता है भाई, कभी कभी तो देना होता है। तो अच्छा, इन जैसे जो भाई हैं उनकी भी जो है वो थोड़ी सी जो काम कर रहे हैं इनके भी काम में थोड़ी हेल्प हो जाए इनकी, और जो है मतलब हम अगर ये काम करवाना छोड़ देंगे तो इनके भी घर कैसे चलेंगे। तो अल्लाह ताला ने हर किसी का जो रिस्क है ना वो लिखा हुआ है। अब जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब आप स्टेशन पर जाएँ तो कुली जो होते हैं ना उनसे सामान उठवा लें, भले अगर आपके पास लोग हों भी तो कोशिश करें उठवा लें, क्योंकि उनका घर जो है ना वो उसी से चलता है, ठीक है। तो अगर आप बोलेंगे नहीं यार हमारे पास तो बंदे हैं हम उठा लेंगे या हम खुद उठा लेते हैं, तो भाई वो भी तो किसी आश्रम में बैठे हैं ना यार, वो भी तो अपनी रोज़ी के लिए बैठे हैं। तो ये सीन होता है सारा। बॉक्स जो है वो तैयार हो गया हमारा, गिफ्ट पैकिंग हो गई है प्रॉपर तरीके से, और इसके अंदर है मोबाइल, तो बेहतरीन हो गया साफ सुथरा। गिफ्ट पैक जो है वो तैयार हो गया फाइनली, तो हमारा काम जो है पूरा हो चुका है, तो बस अब रात को केक वेक लेके आएंगे, तो इंशाल्लाह केक कटिंग वटिंग होगी। ये गिफ्ट का व्लॉग मैंने अलग बनाया था, अब आपकी भाभी को जब देंगे तो वेडिंग एनिवर्सरी पे देंगे, और वहीं पर जाके जो है उनको बताएंगे, पता हम तो नहीं बताएंगे, वो खोलेंगे तो चेक कर लेंगे खुद ही। तो बस यहाँ का व्लॉग एंड करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें, और वेडिंग एनिवर्सरी का जो हमारा व्लॉग आएगा उसको लाजमी देखिएगा, क्योंकि उसी में मैं आपको उसी में मैं आपकी भाभी को गिफ्ट दूँगा, ठीक है भाई। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।